देयर वर टेम्पल, मंदिर थे, पब्लिक बाथ थे एंड वेयर हाउसेज फॉर कैरियल, कैरियल मीन्स अनाज के लिए। हड़प्पा हैड स्ट्रेट स्ट्रीट्स, हड़प्पा की गलियां कैसी थी, बिल्कुल सीधी सीधी थी। हाउसेज वर इन अ रो, हाउसेज भी कैसे थे, बिल्कुल लाइन से थे। सम बिल्डिंग्स वर डबल स्टोरीड, कुछ कुछ बिल्डिंग तो दो मंजिल की भी थी। इन द हड़प्पा देयर वर वेल्स फॉर वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, वहां पर क्या थे, कुएं भी थे जो किस लिए थे, पीने के पानी के लिए थे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो पीपल डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ सीवेज वाटर डिस्पोजेबल, इनका अच्छा सा सिस्टम था जो नालियां वगैरह थी सीवेज का, यानी शिवर सिस्टम अच्छा था। इन द हाउस देयर वर बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स, इनके यहाँ पे बाथरूम और टॉयलेट भी थे घरों में। सीवेज डिडक्ट फ्रॉम हाउसेज, जो भी गंदगी घर से निकाली जाती थी, ड्रेन्ड इनटू स्ट्रीट कैनल वर अंडरगोज, और वो क्या करते थे, जो गलियों की नालियां थी उनमें जाती थी, और वो नालियां भी बिल्कुल ढकी हुई थी। मोहनजोदाड़ोज एंड हड़प्पा पीपल हैड देयर ओन स्किट, उनकी अपनी स्किट थी। स्किट मतलब उनकी लिखने की जो होती है ना, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं क, तो ये हमारी एक स्किट होती है देवनागरी। अब जैसे क को इंग्लिश में लिखेंगे के, तो ये रोमन स्किट है, ऐसी उनकी भी अपनी एक स्किट थी। इवन नाउ साइंटिस्ट आर अनेबल टू डिकोड देयर स्किट, अब भी साइंटिस्ट ये नहीं पता लगा पाते, यानी डिकोड नहीं कर पा रहे कि वो क्या मतलब होता है उनके लिखाई का। द एविडेंस ऑफ स्किट ऑन द सील्स ऑफ विच वर देयर यूज मेड फ्रॉम अर्थ प्लेट्स, और जो स्किट्स थी वो किस पे लिखते थे, अर्थ प्लेट यानी मिट्टी की एक प्लेट सी बना लेते थे, उस पे लिखते थे। साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट दीज बैट्स वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स फॉर मेकिंग साइन ऑन बेल्स ऑफ कॉटन ऑफ और बैग्स ऑफ द क्रियल मैनकाइंड, साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि शायद ये ना व्यापार वगैरह के लिए यूज करते होंगे, कपड़े के बैग वगैरह बनाते हैं और अनाज वनाज रखने के लिए सामान रखते हैं, उस तरह से इनका कुछ यूज करते होंगे। इट इज बिलीव दैट ड्यू टू अर्थक्वेक ऑफ फ्लूड्स मोहनजोदाड़ो एंड अदर सिविलाइजेशन पर्शी, इसमें क्या माना जाता है, जैसे वो वॉर से खत्म हुई थी ना सुमेरियन, तो ये माना जाता है कि अर्थक्वेक आए होंगे, बाढ़ वगैरह आई होगी, उससे मोहनजोदाड़ो की जो सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई थी। एंशियंट चाइना की बात करते हैं, चाइना में कौन से सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे हम, शांग सिविलाइजेशन जो येलो रिवर के नियर थी उसके बारे में पढ़ेंगे। इन एंड अराउंड येलो रिवर वैली, येलो रिवर की जो वैली थी, घाटियां थी, शांग सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट चाइना डेवलप, वहां पे शांग सिविलाइजेशन आई चाइना की। दीज पीपल स्टार्टेड अ कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट सिस्टम, इनकी भी जो स्क्रिप्ट थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। सिल्क क्लोथ्स एंड हाउसेज मेड फ्रॉम ब्रिक्स, वहां पे क्या होता था, सिल्क के कपड़े बनते थे और घर जो थे वो भी ईंटों से बनते थे। क्ले एंड वुड, और क्ले यानी मिट्टी का यूज भी करते थे और लकड़ी का भी करते थे। एंशियंट चाइनीज वर एफिशिएंट इन मेकिंग मटेरियल्स ऑफ ब्रॉन्ज, जो चाइना के लोग थे ना पुराने, वो एफिशिएंट थे यानी परफेक्ट थे मटेरियल ऑफ ब्रॉन्ज के मटेरियल बनाने में। ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है, ब्रॉन्ज का कांसा बोलते हैं हम उसको, ब्रॉन्ज का वो मिलता है ना हमें मेटल, वो क्या कहते हैं प्राइस, जैसे कि जो फर्स्ट आता है उसको गोल्ड मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको सिल्वर मिलेगा, जो थर्ड आएगा उसको ब्रॉन्ज मिलेगा। उसके बाद चलते हैं, ब्रॉन्ज हमने भी पढ़ा था, दो टिन और उसको मिला के बनाया जाता है, वही वाला ब्रॉन्ज है ये। उसके बाद इन टाउन दे यूज्ड चैरिट रन बाय हॉर्सेस, चैरिट मतलब होता है जो गाड़ी नहीं होती लकड़ी का, वो होता है जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, तो घोड़े के पीछे जो लकड़ी का लगाया जाता है वो यूज किए जाते थे, जो घोड़े के द्वारा भगा के ले जाते थे। दीज पीपल बिल्ड म्यूजियम फॉर देयर किंग्स, इन्होंने भी क्या किया, म्यूजियम बनाए अपने राजाओं के लिए। एज दे ऑल्सो बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, ये भी सोचते थे कि मरने के बाद भी दूसरा जीवन होता है। इन द म्यूजियम ऑफ किंग अलॉन्ग विद द डेड बॉडीज ऑफ किंग्स, बॉडीज ऑफ देयर सर्वेंट सोल्जर्स एंड एनिमल्स बॉडीज वर ऑल्सो प्लेस्ड, एंड ऑल्सो ऑल दोज मटेरियल विच दे बिलीव शैल बी यूजफुल आफ्टर इन नेक्स्ट लाइफ। तो उन्होंने भी क्या किया, अब इनके में क्या होता था, इनके म्यूजियम में और ज्यादा चीजें रखते थे, डेड बॉडी के साथ में उनके जो नौकर होते थे उसकी डेड बॉडी, उनके सोल्जर होते थे यानी सैनिक होते थे उनकी डेड बॉडी, उनके एनिमल होते थे उनकी डेड बॉडी, और जो भी यूजफुल उनके मटेरियल होते थे सब कुछ अब इनकी डेड बॉडी के साथ रख देते थे चाइनीज सिविलाइजेशन में, यानी शांग सिविलाइजेशन में। ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट ऑफ दीज एंशियंट सिविलाइजेशन वर्ल्ड ओवर एस्टेब्लिश्ड पावरफुल किंगडम एंड एम्पायर्स, ठीक है, इन सारे सिविलाइजेशन में जो जो अचीव किया उसके बाद में जो वर्ल्ड था वो पावरफुल किंगडम और एम्पायर से एस्टेब्लिश हुआ।
अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फार्मर हैड डोमेस्टिक एनिमल लाइक, सबसे पहले कौन कौन से एनिमल उन्होंने डोमेस्टिकेट किए थे? शीप, गॉट और पिग्स। द फर्स्ट फार्मर लर्न टू मेक टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम, पहले जो फार्मर था उसने टूल्स और वेपन किससे बनाए? मेटल के बनाए। आउट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन वन सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द बैंक ऑफ टिग्रिस रिवर, टिग्रिस रिवर के बैंक पे कौन सी बनी है? सुमेर। सुमेरियन मेटल स्मिथ फर्स्ट डेवलप कौन सी उन्होंने मिक्सचर के बाद में एक मेटल बनाया? ब्रॉन्ज। इजिप्शियन सिविलाइजेशन फॉर इवॉल्व एट द बैंक ऑफ इजिप्शियन, कौन से रिवर के कॉर्नर पे बनी है, यानी कौन से रिवर के बैंक पे बनी है? नाइल। फार्मर सॉड व्हीट एंड बार्ले फॉर चपाती एंड, किस किस चीज के लिए यूज करते थे? चपाती और बियर के लिए। फर्स्ट डैश सीवेज ड्रेन सिस्टम वॉज इवॉल्व इन, सब जो वेस्ट वाटर का सीवेज सिस्टम था वो सबसे पहले किसमें बनाया गया? मोहनजोदाड़ो में। इजिप्शियन यूज टू बिल्ड डैश फॉर देयर किंग्स, वो अपने किंग्स के लिए किसका यूज करते थे? पिरामिड्स का। अब देखो ये मैंने बताया था ना इंपॉर्टेंट है, सुमेर सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के नियर है? तो टिग्रिस रिवर। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर, हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडियन रिवर और शांग सिविलाइजेशन येलो रिवर। हाउ डिड एंशियंट ह्यूमन लर्न एग्रीकल्चर, जो पहले का इंसान था उसने एग्रीकल्चर कैसे सीखी, यानी खेती कैसे सीखी? हाउ वॉज द क्लाइमेट एट दैट टाइम, और उस टाइम का क्लाइमेट कैसा था? तो दे कलेक्टेड द सीड्स ऑफ वीट एंड बार्ले, उन्होंने क्या किया था? वीट और बार्ले के सीड्स को कलेक्ट करना शुरू किया एंड स्टार्टेड फार्मिंग, इस तरह से उन्होंने फार्मिंग शुरू की। द क्लाइमेट वॉज फेवरेबल, फेवरेबल था, वैसे तो भाई वहां का क्लाइमेट जो था ना बहुत हॉट और ड्राई था, बट अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर वो फेवरेबल था। विच क्रॉप्स वर ग्रोन बाय द एंशियंट मैन, एंशियंट मैन ने कौन कौन सी क्रॉप को उगाया था? तो वीट एंड बार्ले। वट चेंजेस वर ब्रॉट बाय एग्रीकल्चर इन द लाइफ ऑफ एंशियंट ह्यूमन बींग, जब एग्रीकल्चर आ गया तो उसने ह्यूमन बींग की लाइफ में क्या चेंज लेकर आए थे? मैन स्टार्टेड टू लिव एट वन प्लेस एंड मेड परमानेंट हाउसेज, अब उन्हें इधर उधर नहीं घूमना पड़ता था, उन्होंने क्या किया था? वो एक जगह पर रहने लग गए थे और उन्होंने परमानेंट हाउसेस भी बना दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज फर्स्ट सिविलाइजेशन इवोल्यूटेड, पहली सिविलाइजेशन थी वो कैसे आई थी? मैन हैड प्लेंटी ऑफ वीट विच वॉज सफिशियंट फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उन्होंने इतना अनाज उगा लिया था जो मतलब कि बहुत सारे लोगों के लिए पर्याप्त था, सफिशियंट था। दे ऑल्सो मेड ब्यूटिफुल ज्वेलरी एंड वेरियस मटेरियल आउट ऑफ वुड, उन्होंने तरह तरह की ज्वेलरी बनाई, क्राफ्टमैन का वर्क शुरू कर दिया, इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ था, फर्स्ट सिविलाइजेशन आई थी। नेम एनी थ्री थिंग इन्वेंटेड बाय सुमेरियन, सुमेरियन ने कौन कौन सी चीजों की इन्वेंशन की थी? फर्स्ट कैलेंडर, नंबर सिस्टम, फर्स्ट स्केट और स्कूल्स, ये सब लिख सकते हैं हम। वाई वर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो फेमस फॉर, किस लिए इतनी फेमस है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा? पीपल डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ सीवेज वेस्ट वाटर डिस्पोजेबल, ठीक है, सबसे ज्यादा जो बड़ी इसकी खासियत है वो यही है कि इसमें सीवेज वाटर सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुई थी, बाकी इनके बाथरूम्स वगैरह भी थे, हमने पढ़ा था ना इनके बाथरूम वगैरह भी थे, तो वो सब चीजें जो इनकी थी वो क्या थी, फेमस थी इन सिविलाइजेशन की। ठीक है, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।